नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं समी। अब खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय ने गोरखपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित धर्म रक्षा निधि समर्पण एवं राम उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय ने भगवान राम व माता सीता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां पर विहिप व राम भक्तों ने धर्म रक्षा एवं समर्पण किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि के महासचिव चंपत राय ने कहा कि पूरे देश में धर्म रक्षा पर विहिप द्वारा कार्यक्रम चल रहा है। सभी हिंदुओं को जगाने के लिए यह कार्यक्रम चल रहा है। धर्म कहता है कि आप अपने परिवार की रक्षा करें और फालतू पैसों को खर्च करने से बचें। आप गुटखा, बीड़ी, पान, खाने में फालतू पैसों को बर्बाद करते हैं, इसको आप पैसों को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि विशेष पत्थरों से बन रहा है, जो कि 3 मंजिला बन रहा है, जिसमें 400 खंभे हैं और 170 खंभे ग्राउंड फ्लोर पर हैं। भव्य राम मंदिर बन रहा है, जो कि दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा और प्रभु श्री राम को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। राम मंदिर के आंदोलन में गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े थे व हिंदू महासभा से थे। गोरखपुर वासियों और गोरक्षनाथ मंदिर के लिए बड़ी उपलब्धि है। राम मंदिर आंदोलन की समिति के अध्यक्ष ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को बनाया गया था, जिन्होंने अंतिम समय तक अपनी भागीदारी दी थी और लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस समय गोरक्ष पीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी हैं, जिनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि दिसंबर 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस्तीफा दे दिया कि पीछे हटने के रास्ते पर
विचार हुआ कि ये लड़ाई है, आंदोलन है कि कुछ और है? कार्यकर्ताओं ने कहा भगवान के धर्म स्थान के मुख्य यज्ञ है और इसलिए नाम रखा गया राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ सभी।